चिवारी में डाल दें अब हमारा चौदह तारीख वीडियो बना दिया पंद्रह को शायद हो रहा था पैंतालीस दिन और चौदह के सामने ही आगे नहीं सर चला कहाँ से कर रहा था दो सप्ताह और दिन लगाने वाला है भैया देखिए मेन बात क्या है यहाँ पे है तो जैसे हम लोग गाँव घर में देखा देखी होता है थोड़ा आपका भी लग जाएगा मतलब कि सर हम बड़ा कुत्ता है अभी बीपी ना पा रहा है बीपी ना कितना गुस्सा नहीं लगता इसीलिए शायद विधिवत हो रहा है यहाँ शुगर भी ना पा रहा है देखिए बीपी ना पाया था इससे पहले और अभी देखिए शुगर टेस्ट हो रहा है इसके बाद कोरोना का इंजेक्शन दिया जा रहा है मतलब बीपी का और शुगर का दोनों चेक होने के बाद कोरोना का इंजेक्शन दिया जाता है ये देखिए सबसे कम कितना रहता है खाना खाने के बाद रहता है ना बीपी चेक कर रहा है उसी
आपका मेरा चाचा का भैया का अभी तक ये इतना लोग जो है ना हार्ट अटैक का दर्द कितना दूसरा डोज में कौन सा कोविड सील कोवैक्सीन कौन सा है अब पूछा जाता है हमारे रामराज मामा जी से पूछते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। मामा जी थोड़ा दो चार से बताइए। देखिए पहले भी मैं लिया था और ये दूसरा डोज भी लिया, इसमें बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा ऊंचा बोलिए क्या कि दर्शक लोग बही रहे हैं, कम सुनते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए मैं पहला डोज भी लिया हूँ हॉस्पिटल में जा करके, और आज जो है ग्राम पंचायत अपना तेतरडी में यहाँ जो है वैक्सीन लग रहा है, यहाँ भी आकर के मैं लिया। और इससे वैक्सीन लेने से क्या है, कोरोना से लड़ने का जो है क्षमता बढ़ जाता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग आ करके यहाँ जो है टीका लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। अच्छा अभी वैक्सीन आप वैक्सीन लगवाए हैं अभी, तभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई महसूस नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया लगता है भाई, मैं भी लगवाया हूँ अभी वैक्सीन। लेकिन आप लोग के जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो पेस्ट कर रहा हूँ, आज ग्राम पंचायत का पंचायत ग्रुप में वीडियो के रूप में मैं भेजूँगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थोड़ा सा हमारे गुरुजी के पास पहुँचते हैं जो हमको पढ़ाए हैं। प्रणाम सर, आप थोड़ा सा दो चार शब्द बताइए हमारे कोरोना के बारे में। कोरोना महामारी जो है मतलब अभी पूरे देश में फैल चुका है, तो उससे बचने के लिए शासन द्वारा जो वैक्सीनेशन का काम करवाया जा रहा है, उसको लोगों को जो है आगे बढ़ चढ़ कर जो है इस बीमारी से बचने के लिए जो है वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जो लोग कुछ दिग्भ्रमित करते हैं कि इससे जो है बुखार आ जाता है और सब होता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। कुछ अपने शरीर के मतलब उसके शरीर में जो उसका कैपेसिटी पावर होता है, उसके आधार पर जो है कुछ लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी माना गया है कि वैक्सीनेशन में जो है बुखार आए तो वो जो है वैक्सीन सफल माना गया है, इसलिए उससे जो है डरना नहीं चाहिए। लोगों को जो है इस भयावह बीमारी से जो है अपने समाज को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, खुद बचे और सब दूसरे को भी बचाएँ, यही लोगों से अपेक्षा है। और बढ़ चढ़ कर जो है वैक्सीनेशन उठा लें। चलिए ठीक है, यानी कि कोरोना का वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। सभी लोग जितने भी जो कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो आकर वैक्सीन लगवाएं, चाहे जिस क्षेत्र का हो, जिस गली का भी हो। और इतना ही आज का वीडियो।